नमस्कार, आपका स्वागत है विकी इंडिया में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, रामायण की कहानियाँ कई युगों से सभी सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमने राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना। लेकिन हमने राम की बहन शांता के बारे में बहुत कम सुना है, या कहें कि सुना ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आपको भगवान राम की बहन शांता के बारे में बताएंगे कि आखिर शांता कौन थी, किस कारण उनका त्याग किया गया और क्यों उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये सब जानने के लिए हमारी वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। महाराज दशरथ और रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थी, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि इनके चार पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोगों को पता है कि इन चारों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता माँ कौशल्या की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो बातों बातों में शांता जैसी पुत्री प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं और राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे बैठते हैं। और रघुकुल की रीत प्राण जाय पर वचन न जाय के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती हैं। एक वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से बचने के लिए रोमपद ऋषि शुंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि शुंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि शुंग के कहने अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। ऋषि शुंग से प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि शुंग से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि शुंग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में राजा दशरथ ने अपने पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया और प्रसाद के रूप में खीर माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। खीर बांटते समय माँ कौशल्या ने आधी की माँ कैकेयी को दी और दोनों ने एक एक हिस्सा माँ सुमित्रा को दिया, जिससे उन्हें दो पुत्र लक्ष्मण व शत्रुघ्न प्राप्त हुए। माँ कौशल्या को ज्येष्ठ पुत्र राम और माँ कैकेयी को भरत की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को पता नहीं होता है, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम कौशल्या से दुख का कारण पूछते हैं। तब राम को अपनी बड़ी बहन शांता के बारे में पता चलता है और चारों भाई अपनी बहन से मिलने जाते हैं। जब चारों भाई बहन शांता से मिलते हैं तो वे अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती हैं।
और उन्हें सदैव साथ रहने का वचन लेती हैं। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई रामायण या महाभारत से जुड़ी जानकारी के साथ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल विकी इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।